वाह मोदी जी वाह। हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल गेमिंग विथ मोदी में। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के वीडियो पे हम आपको बताने वाले फ्री फायर के अंदर एक न्यू सेटिंग देखने को मिला है जिसका नाम है फ्रेंडली फायर। इसका क्या काम है, किस तरह से वर्क करता है, सब कुछ मैं इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, बिना स्किप किए देखना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर शेयर कर देना ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो गाइस, जैसे आप यहाँ पर कस्टम बनाओगे, आप चाहे क्लासिक बना लेना या फिर क्लैश स्क्वाड, सभी पे आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे फ्रेंडली फायर का ऑप्शन देने को मिला, यहाँ पे सिंपल आपको यस कर लेना है। सो गाइस, चलिए अपना कस्टम को स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा हमको वेट करना होगा बंदे ऐड होने का, जैसे आप लोग पता है एडवांस तौर पर ज़्यादा बंदे खेल नहीं रहे तो हमको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था। 2000 years later। सो गाइस, फाइनली जो कि मेरे यहाँ पे कस्टम स्टार्ट हो चुका है। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि फ्रेंडली फायर का मतलब क्या होता है, क्या होता है फ्रेंडली फायर से। सो सबसे पहले अपना गन परचेज कर लेते हैं, थॉमसन गन मैंने ले लिया। और यहाँ पे देख सकते हो तो अपने टीममेट्स के ऊपर मैं यहाँ पे एम भी कर पा रहा हूँ और अपने टीममेट को डैमेज भी दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे अपने फ्रेंडली फायर का मतलब क्या होता है, अपने फ्रेंड को आप यहाँ पे किल कर सकते हो। सो चलिए मैं इस बंदे को किल करके दिखाता हूँ। ये बंदा यहाँ पे मेरे को भी डैमेज दे सकता है और मैं भी इसको डैमेज दे सकता हूँ अगर आप लोग इसको यस कर लेते हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो मैं इस बंदे को पूरा डैमेज देकर इसको नॉक कर दिया हूँ। चाहूँगा तो मैं इसको रिवाइव कर सकता हूँ बट मैं इसको रिवाइव नहीं करने वाला हूँ, इसका ग्लू वॉल और इसका गन को लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे थे इस बंदे को मरने का। सो बंदा फाइनली मर चुका है, चलिए मैं आपको इसका ग्लू वॉल को लेके और एनिमी को किल करने चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एनिमी भी आ चुका है, चलिए मैं आपको सबसे पहले एनिमी को मार देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं अपने दूसरे टीममेट को मार के। और ये वाला सेटिंग आने के बाद कस्टम पे काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला, बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाला अपने टीममेट्स के साथ। अपने टीममेट्स को बार बार डाउन कर देंगे, फिर रिवाइव करेंगे, फिर डाउन करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला। आप लोग एक्साइटेड हो या फिर नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो फाइनली मैंने यहाँ पे टीम मतलब एनिमी को मार दिया, अभी दूसरे एनिमी को नहीं अपने टीममेट्स को मारने चलते हैं। सो गाइस, ये वाला कस्टम खेलने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे राउंड पे क्या हुआ। ये दोनों मेरे टीममेट्स मेरे को मिलके मारने वाले हैं, मतलब दोनों वो लोग प्लान बना लिए, क्या पता नहीं कौन कौन से लैंग्वेज पर वो लोग बात कर रहे, वो लोग दोनों समझ चुका है बट मेरे को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं है कि ये लोग क्या बोल रहे, ठीक है। अभी दोनों गन लेके मेरे सामने आ जाता है और मेरे को फाइट करने वाला देख सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मेरा दोनों टीममेट्स यहाँ फुल प्लान करके बैठा हुआ है कि मेरे को यहाँ पे किल करेगा, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा है। पिछले राउंड पे मैंने इन दोनों को मारा था तो ये दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है कि मैंने इसको मारा तो आप मेरे को बदला लेगा। तो ये देख सकते हो ये लड़की ग्लू वॉल लगा के बैठी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हो ये बंदा यहाँ पे मेरे को डेजर्ट एगल के लेके मेरे को मारने वाला है। तो यहाँ पे देखो तो फुल प्लान करके लोग बैठा हुआ है कि मेरे को किल करना है। तो ये डेजर्ट एगल से बहुत ज़्यादा डैमेज देने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो हम लोग पर टीम मेट्स ही फाइट कर रहे हैं अपने में, यहाँ पे एनिमी के पास हम लोग फाइट करने नहीं जा रहे, हम लोग टीम मेट्स ही फाइट हो रहा है। मतलब जोन स्टार्ट हुआ और टीम मेट्स से फाइट करना स्टार्ट कर दो। ये बंदा देख सकते हो मेरे को डेजर्ट एगल से हेडशॉट ले लेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे इस बंदा ने मेरे को डेजर्ट एगल से उड़ा दिया, मतलब खोपड़ी तोड़ दिया, बदला ले लिया इसने। अभी चलिए मैं आपको दूसरे राउंड पर भी दिखाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब इस वाले राउंड पे हम बदला लेने वाले अपने टीममेट्स के साथ। तो चलिए अपने गन परचेस कर लेते हैं, थॉमसन गन वेस्ट भी ले लेते हैं, हेलमेट भी ले लेते हैं और ग्लू वॉल भी ले लेते हैं। सो सब कुछ मैंने यहाँ पे परचेस कर लिया, मैं भी फुल तैयारी पे हूँ अपने टीममेट्स को मारने के लिए। सो गाइस, ये वाला कस्टम बस हम अपने टीममेट्स के साथ ही फाइट कर रहे हो, यहाँ पे अपने टीममेट्स को ही बार बार मार रहे हैं। तो यहाँ पे ये बंदा गुस्सा होकर ऑफलाइन हो चुका है, देख सकते हो दो नंबर। और यहाँ पे ऑफलाइन होकर इसका जो बॉट बन चुका है, चलिए मैं उसका बॉट को भी किल कर लेता हूँ। सो गाइस, आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा जरूर से आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको सब कुछ बता दिया कि फ्रेंडली फायर का जो कि किस तरह से काम करता है, क्या है फ्रेंडली फायर, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। अगर माइंड में आपको कुछ भी डाउट या कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो गाइस, आज की वीडियो बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो का एकदम एंड तक देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।